गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने वन ऐड एप्लीकेशन से पे आउट लेने वाला हूं, तो उसका मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूं। तो चलिए ओपन करता हूं मेरा वन ऐड एप्लीकेशन। अभी मैं ऑलरेडी वन कर चुका हूं, ओपन कर चुका हूं, तो मैं सीधा जाता हूं अपने होम ऑप्शन पर। यहां पे देखिए ऐड आता है जिसका हमें पैसा मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 165.87 रुपीज़ पैसा मेरे वॉलेट पर अभी शो कर रहा है, जो कि प्रेजेंट है, जिसका मैं पे आउट ले सकता हूँ। और यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए, राइट साइड में एक्सपेक्टेड मंथली पे आउट है, और यहाँ देखिए लास्ट विड्रॉल जो है 80 रुपीज़ है। सो यहाँ पे देखिए, तो चलिए मैं अपना पे आउट लेता हूँ। तो पे आउट लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पर। सो सेटिंग्स में मैं जाता हूँ, और यहाँ पे जब ऐड आएगा तो अभी आपको ये ऐड स्किप नहीं कर सकते, आप यहाँ पे क्लोज़ कीजिए, और फिर यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा माई बैलेंस में। और माय बैलेंस में जाने के बाद देखिए फिर इस तरह से एक जो है ऐड आ रहा है, तो इसको आपको क्लोज़ करने के लिए आप क्लोज़ कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे कैश आउट पे आप बटन पे प्रेस कर दीजिए। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट मांगेगा कि कितने रुपीज़ का आप यहाँ पे आउट लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए मेरा 165.87 का जो है पैसा यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं सीधा डालता हूँ 165, और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड सो ध्यान से आप अपना पासवर्ड डालिए ताकि जो प्रॉपर हो, और यहाँ पे कंटिन्यू मारिए, फिर इसको ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपको सीधा लेके जाएगा बैलेंस अकाउंट पर। तो इस तरह का अगर आपको ऐड आ रहा है तो ये क्लोज़ करेंगे, लेकिन इस वक्त आप इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। ओके क्लोज़ वीडियो, नो इशू, क्लोज़ हो गया। सो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके तो देखिए मैंने उस ऐड को मैंने स्किप किया था, क्लोज़ किया था, लेकिन वो क्लोज़ नहीं हुआ था, फिर से मुझे पहले वाला जो है स्क्रीन पे लेके चला गया था। तो यहाँ पे टाइम शो कर रहा है 7.65 सेकेंड्स, मतलब इतना सेकंड तक आपको ये ऐड देखना ही देखना है। अब जाके आप जो है देखिए, तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट अभी शो कर रहा है, जबकि इसमें पेटीएम में भी आपको पे आउट मिलता है। लेकिन देखिए एक कंडीशन, एक यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं भी इसका फेस किया था, मुझे लगा था कि मैं इससे पहले पेमेंट पेटीएम में लिया था, फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट क्यों दे रहा है। तो अगर आपका अमाउंट 100 रुपीज़ से ज़्यादा होता है, एज पर द पॉलिसी आपको ये बैंक अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो मैं 165 को बैंक अकाउंट में नहीं लूँगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में काफ़ी टाइम लगता है, 7 डेज टाइम लग जाता है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ पे, और सीधा यहाँ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं 100 रुपीज़ करता हूँ। तो अगर मैं 100 रुपीज़ करूँगा तो देखिए ये मेरे यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है, पेटीएम एंड बैंक अकाउंट। सो मैं सीधा पेटीएम का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और कैश आउट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है एक कंफर्मेशन मैसेज शो कर रहा है। तो मैं अब ऐप को क्लोज़ करता हूँ, और देखिए मैं यहाँ पे कैश आउट करता हूँ। दोस्तों देखिए मेरा यहाँ पे दिखा रहा है यू हैव सक्सेसफुली, बहुत ज़्यादा ऐड आ रहा है, सो सॉरी गाइस। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक कंफर्मेशन मैसेज भी आ गया है पेटीएम के तरफ से, और देखिए यहाँ पे बता रहा है पेटीएम हैज़ एडेड 97.50 रुपीज़ कैश बैक इन योर पेटीएम वॉलेट फॉर योर ट्रांजेक्शन एट वन ऐड। सो देखिए दोस्तों मुझे वन ऐड से पैसा मिल गया 118 रुपीज़। देखिए मैसेज भी मुझे पेटीएम की तरफ से आ गया। अब मैं पेटीएम का जो है मेरा पेटीएम वॉलेट में आपको खोल के दिखाता हूँ कि वाकई मेरा ये क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ है। तो पासबुक में आप चले जाइए, और यहाँ पे मैं बता दूँ देखिए मेरा बैलेंस तो अभी 118 है, और इसका ट्रांजेक्शन मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये पैसा मुझे कहाँ से मिला है, तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो माई ऑर्डर्स, सॉरी मैं एड्रेस पे नहीं है, आपको जाना पड़ेगा पासबुक, और यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको पेटीएम वॉलेट। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है,
और यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रॉल करके, यहाँ देखिए 97.50 रुपीज़ कैशबैक रिसीव्ड, कितने बजे, 10:18 मिनट पर ये जो है रिसीव्ड हुआ है, जबकि अभी देखिए 10:19 हुआ है मेरे मोबाइल के टाइम पर, और 10:18 में मैंने पे आउट डाला था जो कि 97.50, आई मीन विद इन ए 1 मिनट ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, देखिए मुझे मिल गया। अब मैं फिर से मैं जाता हूँ अपने ऐप में, और ये देखिए यहाँ वन ऐड के ऐप में मैं आ गया फिर से, और फिर मैं होम पे जाता हूँ, और देखिए इस तरह का ऐड आ रहा है जिसके लिए आपको पैसा मिल रहा है। इसको क्लोज़ करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे वन ऐड जो कि है, देखिए अभी मेरा बैलेंस देखिए 65.87 पैसा है। तो मैं फिर से और एक बार मैं पे आउट लेना चाहता हूँ इसमें, तो आपको करना क्या है, फिर से सेटिंग्स में जाना है। तो इस टाइम आप ऐड को स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको बस जो टाइमिंग शो कर रहा था उसमें देखना पड़ेगा। फिर माय बैलेंस में आप जाइए, और जैसे जाएंगे तो फिर से देखिए यहाँ पे आपका ऐड आ रहा है, जो टाइमिंग शो कर रहा है उतना टाइम आपको देखना पड़ेगा, फिर आप जाके आप क्लोज़ कर सकते हैं। और फिर कैश आउट कीजिए, आप यहाँ पे डाल दीजिए जो भी अमाउंट आपको लेना है, मैं 65 रुपीज़ दे रहा हूँ, और मेरा पासवर्ड। कंटिन्यू करता हूँ, ओके तो देखिए फिर से इस तरह का आ रहा है ऐड, जो कि इधर देखिए 28 सेकेंड, 27 सेकेंड, 25 सेकेंड शो कर रहा है, जो कि आपको देखना पड़ेगा। इतना टाइम आपको वेट करना ही पड़ेगा। देखिए जैसे 0 सेकंड होता है मैं इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे देखिए 65 रुपीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे शो कर रहा है आपको बैंक अकाउंट, दैट मीन्स अगर आपने आज के डेट में पेटीएम से अगर आपने ले चुके हैं पेमेंट, तो सेम डे पे आपको पेटीएम से पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको ये नेक्स्ट डे को मिलेगा पेटीएम से। अगर आप लेना चाहते हैं अभी, तो ये बैंक अकाउंट आप सेलेक्ट कर दीजिए, कैश आउट जैसे मारेंगे तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा। मैं लेना नहीं चाहता हूँ बैंकिंग से, मैं अपना पेटीएम से ही लूँगा, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इससे डेफिनेटली आपको पे आउट मिलता है, मैंने इसमें ऑलरेडी देखिए मैंने 4 मरतबा इसमें पे आउट मैंने ले लिया। तो दोस्तों आप काम कर सकते हैं, मैं बता दूं कि इसमें बहुत ही कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आपको ये जो एप्लीकेशन है ये आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप सिंपली करना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको जाना पड़ेगा, देखिए ये वन ऐड है, इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ, ये वन ऐड आप लिखेंगे, और मेरा जो देखिए यहाँ पे कोड है Q41ZXS, Q41ZXS, आप इसको जो है आप इसको ये कर सकते हैं, इस कोड से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, और ताकि मैं आपके लिए नया और एक वीडियो लेके आऊँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय।